हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो यहाँ पर रेलवे में नई भर्ती GDC वैकेंसी आई है। आपको पता है ALP टेक्नीशियन JEE ट्रेन मैनेजर की, उसके अंदर सबसे बड़ा जो डाउट है आज के दिन सभी विद्यार्थी जो कि 2000 अभी ज्वाइन किए हैं जस्ट यहाँ पर 2023 में, तो उनका सबसे बड़ा डाउट यही है कि रेगुलर सर्विस का क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ पर दो RRC का नोटिफिकेशन आया, एक RRC ने तो यहाँ पर रेगुलर सर्विस के साथ में कोष्टक में लिख दिया मिनिमम 2 ईयर सर्विस या फिर प्रोविजन पीरियड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये उन्होंने कोष्टक में लिख दिया। और दूसरे RRC ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा कि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं 1/7/2023 तक वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे। तो सबके मन में डाउट है क्या यहाँ पर अलग अलग दोनों RRC अलग अलग नियम फॉलो कर रहे हैं या फिर सच में 2 साल का नियम है। तो ये चीज़ डाउट है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या 2 साल की सर्विस अनिवार्य है या फिर नहीं, क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि प्रोविजनल पीरियड जो रेलवे के अंदर रहता है वो कितना रहता है। दोस्तों वैसे तो दोस्तों आई थिंक अलग अलग यहाँ पर जोन है वो रखते हैं, बट एक यहाँ पर लेटर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस टाइम यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे की ज्वाइनिंग चल रही है 117/7/2023 की डेट में। तो यहाँ पर इन्होंने 2 नंबर का पॉइंट है वो सभी के जो आपका ज्वाइन लेटर घर पे आया है या फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसके अंदर सभी के अंदर प्रोविजनल पीरियड लिखा होगा कितना है। तो यहाँ पर देखते हो ऑल अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन प्रोविजनल फॉर 2 ईयर। ड्यूरेशन ऑफ परमानेंट जो आपकी स्थायी नियुक्ति होगी वो डिपेंड करता है सीनियोरिटी और जो आपकी एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट वैकेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा परमानेंट जो नियुक्ति है वो। पर इसमें यहाँ पर 2 साल का प्रोविजन पीरियड रखा गया और लगभग जो है जोन उनमें 2 साल का ही है, बट आई थिंक हो सकता है किसी में कम हो। तो वो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है या फिर जो जॉइन लेटर है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो नोटिफिकेशन आया है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो GDC के दोनों नोटिफिकेशन आए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, आपका इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से हैं। तो ये आपका जो दोनों नोटिफिकेशन है इसके ऊपर अगर हम देखें, जो रात को आपका SECR का आया था जिसमें यहाँ पर जो आपकी रेगुलर सर्विस है उसको डिफाइन किया गया था, तो इसमें भी यहाँ पर देखते हो आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है। सभी का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आएगा, सभी RRC का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से जनरेट होगा। तो इसमें जो आपकी एक चीज़ ये भी देखने योग्य है, क्योंकि आपको पता है वर्कशॉप की वैकेंसी इसमें GDC में नहीं रखी गई है, तो जिनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 से नीचे है वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, आपका B1 मिनिमम आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखते तो कोई भी पोस्ट है जिसका यहाँ पर B1 से नीचे है उसको अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि B2 या फिर C कैटेगरी का जो मेडिकल होता है वो नॉर्मली वर्कशॉप के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इनके लिए होता है और उसकी वैकेंसी फ़िलहाल नहीं आई है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें इसमें दो नंबर जो पॉइंट है इसमें, कैंडिडेट शुड हैव ए रेगुलर एम्प्लॉय। तो यहाँ पर कैंडिडेट है वो रेगुलर कर्मचारी होना चाहिए आपका जो है। इसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कोष्टक में इन्होंने दे दिया है कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर्स सर्विस इन रिक्रूटमेंट ग्रेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोविजन। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 साल की मिनिमम सर्विस और यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीटेड आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो होना चाहिए रेगुलर एम्प्लॉयज़ का, मतलब इन्होंने ये बताया है। और ये आपका ऑफ एस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1 जुलाई 2023 को होना चाहिए, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पर दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है वो कन्फ्यूज़ करने वाला, इसके अंदर बातें क्लियर हो गई कि मिनिमम 2 साल की सर्विस कंडीशन है और आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए, ये दो इन्होंने कंडीशन रखी थी। अब जो दूसरी चीज़ है आपका जो प्रोविजन पीरियड है, बता दूं कुछ लोग टेक्नीशियन वगैरह पे ज्वाइन करते हैं जो ट्रेनिंग के बाद में उनका प्रोविजन पीरियड चालू होता है, तो वो चीज़ भी अलग होती है। वो अलग अलग जोन पे जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसके ऊपर क्या लिखा है उसके हिसाब से आपकी जो है प्रोविजन का जो पीरियड है वो आपको मिल जाएगा। अब जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। इसी में आपका जो हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है GDC नोटिफिकेशन का, तो ये है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से और इन्होंने यहाँ पर 18 तारीख की डेट में नोटिफिकेशन निकाला है और ऑनलाइन आपके फॉर्म भी इन्होंने 18 तारीख से मांगे हैं, जबकि आज डेट है वो 19 हो चुकी है और अभी तक यहाँ पर है वो इनके फॉर्म का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने जल्दबाजी में ये चीज़ें की हैं। और इसमें यहाँ पर नंबर 2 पर जो पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑन 1 जुलाई। इनमें इन्होंने इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रेगुलर एम्प्लॉय लिखा है, कोष्टक में जो चीज़ें थी वो इन्होंने नहीं लिखी, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉय को इन्होंने डिफाइन नहीं किया है।
ये बड़ी बात है यहाँ पर। और इसमें और भी यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं, देख सकते हो जो नोटिफिकेशन है इसमें यहाँ पर कुछ, एक तो आपका डेट, ये ऑनलाइन डेट है ये यहाँ पर है, और दूसरी इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड में भी कुछ गलतियाँ की हैं। तो नोटिफिकेशन में कुछ कुछ गलतियाँ हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आई थिंक ये चीज़ें नहीं चेक की हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने जो टेक्नीशियन ट्रेन लाइटिंग की जो यहाँ पर वैकेंसी है उसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर अलाउ कर दिया है, जबकि सेम यही पोस्ट है SECR की तरफ से, उसमें आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मांगा गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हैं वो इनके द्वारा हुई हैं इसमें। अब दोस्तों इसको यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ है, इस बार सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है और सभी RRC में एक ही यहाँ पर एग्ज़ाम होगी, एक साथ एग्ज़ाम होगी और यहाँ पर एक साथ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो इसमें ये नहीं हो सकता है कि एक RRC आपका 2 साल की सर्विस मिनिमम कर दे और दूसरा RRC है वो यहाँ पर बिल्कुल आपको ज्वाइन करते ही 1 जुलाई से पहले जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको फॉर्म भरवा ले, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। या तो ये दोनों RRC यहाँ पर सेम रहेंगे, या तो इनको यहाँ पर जो SER जो है इनको यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन में कोरिजेंडम निकाल के ये चीज़ डिफाइन करनी होगी कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है, या फिर आपका साउथ ईस्टर्न जो सेंटर है SECR उनको यहाँ पर ये चीज़ें है वो हटानी होंगी। बट सबसे पहले फ़िलहाल ये 2 ही नोटिफिकेशन आए हैं, इसके अलावा किसी RRC का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जो पुराने नोटिफिकेशन आते थे उनमें भी यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय की कंडीशन है वो लागू होती थी। तो ये भी एक यहाँ पर है कि इसमें हो सकता है और नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी बीच में मामला है वो अटका हुआ है। अब दोस्तों जहाँ तक मैं अपना व्यू बताऊँ तो मुझे 99% तक मुझे यही लगता है कि SECR ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो कहीं ना कहीं सही है, उसके अंदर उन्होंने डिफ़ाइन किया है रेगुलर सर्विस को, और रेलवे भी रेगुलर सर्विस रेगुलर एम्प्लॉय है वो तभी मानता है जब आपका प्रोविजनल पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका हो, यानी कि आपका कास्ट वगैरह जो है वो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाए, आप पक्के परमानेंट एम्प्लॉय तभी माने जाते हैं जो आपका जो पीरियड होता है वो कम्प्लीट होने के बाद में। तो ये चीज़ भी ध्यान देने योग्य है क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय इसी को माने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने अभी ज्वाइन किया आपके डॉक्यूमेंट हैं वो भी वेरीफाई नहीं हुए हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और आप यहाँ पर प्रमोशन के एग्ज़ाम में भी फॉर्म भर दो, तो ये आई थिंक यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं जो है वो 2 साल की मिनिमम कंडीशन है वो लगती नज़र आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ तक रेगुलर एम्प्लॉयज़ का जो आपका जो है डिफाइन वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपका प्रोविजनल पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद में ही रेगुलर एम्प्लॉय है वो माना जाता है। बाकी आपको कहीं और से कुछ और लेटर वगैरह मिला हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, लेटर के नंबर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ है, तो हम उसके ऊपर भी आपका जो डिटेल्स में चर्चा करेंगे, या फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें कुछ गलती हुई है या फिर यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि हम वो कर देंगे, हम ट्विटर पर कैंपेन वगैरह, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयज़ की कंडीशन इसमें लगाई गई है, किसी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, तो वो अभी डिपेंड करता है कि रेगुलर एम्प्लॉय ये 1 साल का मानते हैं या फिर 2 साल वाला जो लिखा है वो मानते हैं, ये चीज़ है, पर रेगुलर एम्प्लॉयज़ होना चाहिए ये चीज़ मेंशन की गई है। बाकी आगे अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।